Now we will study the second portion of this today's class. Now we will be calculating the income expenditure portion. पहले हम लोगों ने इधर पे देखा था ट्रेडिंग एक्टिविटी में से हम लोगों ने प्रॉफिट जो निकाला 276,500, तो इसको मैंने इधर पे बिठा दिया, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर में देखो पहले से ही मैंने इधर पे बैठा दिया, उसको ट्रांसफ़र कर दिया। बस यही था जो नया चीज़ हम लोगों ने इधर पे सीखा इस क्लास में और इस पर्टिकुलर सम में। अभी देखो इनकम एक्सपेंडिचर पहले की जैसा ही है, नथिंग टू स्टडी न्यू अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। इनकम एक्सपेंडिचर व्हाट वी विल स्टडी, वी विल स्टार्ट विथ वेजेस। वेजेस आई विल टेल यू देयर, सी हियर इन रिसीप्ट एंड पेमेंट 125,000 इज द वेजेस ऑफ द रेस्टोरेंट व्हाट वी हैव चार्ज्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट एंड अदर्स, दिस इज द अमाउंट व्हाट वी विल कैलकुलेट हियर। ओके, मैंने इसको इधर पे पोस्टिंग किया और वो जो था 125,000 मैंने उसको ट्रेडिंग में मैंने ट्रांसफर कर दिया। देखो रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स 44,750, 100 टू सेक्रेटरी 80,000, लाइटनिंग 44,250, कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग स्टाफ एक्सपेंसेस 18,750। मैंने बताया था ये देखो 68,750 माइनस 50,000 इधर पे तुम लोगों का एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। देखो कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग चार्जेस ऑफ द स्टाफ इज एस्टिमेटेड एट 68,750, आउट ऑफ विच 50,000 इज चार्ज टू रेस्टोरेंट। तो 50,000 को मैंने इधर पे दिखा दिया था, ठीक है। और ये जो था 68,750 मैंने अलग से दिखाया था ट्रेडिंग में, पर इधर पे मैं क्या करूँगा, मैंने इसको डिफरेंस अमाउंट मैंने दिखा दिया, इन दोनों का डिफरेंस अमाउंट मैंने इधर पे दिखा दिया। नेक्स्ट इज सन्ड्री एक्सपेंसेस 8,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है, देखो इधर पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। फर्नीचर 10%, बिलियर्ड का है 12%, तो मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया जो अमाउंट है इधर पे ट्रेबल में, तुमको इसको इजीली कैलकुलेट करना है, इसमें नया कुछ सीखना नहीं है। तो ये देखो इधर से मैंने मैक्सिमम चीज़ मैंने इसको कैलकुलेट इधर पे ट्रांसफ़र कर दिया और डिप्रिसिएशन का जो रेट है मैंने इसको इधर पे कैलकुलेट कर दिया। सो लेट अस मूव टू द इनकम साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विथ सब्सक्रिप्शन। ओके, सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट 88,750 यू विल गेट इन योर टेबल। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का जो है उसको मैं ऐड करूँगा 12,500, सो इट इज़ कमिंग टू 1,01,250, लेस आउटस्टैंडिंग 12,000 एंड एडवांस 3,000। सी हियर यू विल गेट दिस अमाउंट 3,000 एंड 12,000 इन द एडजस्टमेंट ओनली यू विल गेट हियर, जस्ट रीड हैव अ रीड ऑफ इट। तो मैं एड लेस करने के बाद माइनस ये आया 86,250। इंटरेस्ट एक्रूड है 6,000, इंटरेस्ट तुमको मिलेगा दे टेबल में, तुमको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 6,000। अच्छा एक चीज़ देखो टेबल में, देखो 6,000 दिया हुआ है इधर पे 6,000 और नीचे दिया हुआ है 1 लाख डिपॉजिट है, पर उस पर कितना परसेंट दे रहा है, 10% दे रहा है। तो 1 लाख का 10% कितना आ रहा है, 10,000, पर मिल गया कितना है 6,000 मिल गया, कितना नहीं मिला 4,000। तो यह है मेरा एक्रूड, तो 10,000 मिल गया, 10,000 में से 6,000 मिल गया, मिलना था कितना 10% किसका है, 1 लाख का है ना बैंक डिपॉजिट, तो 6,000 मिल गया, बाकी कितना है एक्रूड जो मिलना बाकी है। तो टोटल कैलकुलेट करके देखो 10,000 आ रहा है, ठीक है। और यह तो प्रॉफिट मैंने बताया ही था, ठीक है। तो इसमें नया कुछ नहीं है, तो इसको मैंने बिठा दिया इधर पे, इसको कैलकुलेट करना बाकी था, सॉरी ये छूट गया। तो ये कितना आ रहा है 4,58,750। तो ये देखो एडलेस करने के बाद ये आएगा, तुम लोग कैलकुलेट कर लेना है कैलकुलेटर में, 68,880 सरप्लस हो गया, ठीक है। एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर जैसा हम लोगों ने पहले क्लासेस में किया था, इनकम एक्सपेंडिचर वही का वही है, सिर्फ इधर पे यही चीज़ है नया, ये है, इसको ही बार बार करना है। और ये कहाँ से आया, ये आसमान से नहीं टपका, ये इधर से आया, ठीक है। ये ट्रेडिंग अकाउंट देखना, ये ट्रेडिंग अकाउंट ही अलग से मैंने बताया, ये रेस्टोरेंट का है और ये क्या है, ये पूरे क्लब का है, पूरे क्लब का ही एक पार्ट था रेस्टोरेंट, ठीक है। क्लब में बहुत सारा फैसिलिटी दिया जाता है, रेस्टोरेंट का फैसिलिटी भी दिया जाता है, बिलियर्ड्स का भी दिया जाता है और भी बाकी सारा सब कुछ है, पर रेस्टोरेंट का अलग से मैंने निकाला, ठीक है। यही सब चीज़ है, दिस इज द होल एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ इट। अच्छा अभी बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में तो पूरा का पूरा आएगा, जो सरप्लस मैंने निकाला 68,880 इसके साथ मैंने क्या किया, इसको मैंने इसके साथ मैंने कैपिटल फंड को ऐड कर दिया। कैपिटल फंड कहाँ पे मिलेगा, कैपिटल फंड तुम लोगों को क्वेश्चन में ही प्रोवाइड किया होगा। ये देखो पहला ही है 2,05,000, तो इसके साथ मैंने ऐड कर दिया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3,000, एडजस्टमेंट में देखो 3,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूडेड 12,000 फॉर द प्रीवियस ईयर एंड 3,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो एडवांस है तो लाइबिलिटी हटा के रखना है,
नेक्स्ट है देखो एसेट साइड में फर्नीचर 21,000 एट परचेज 23,500, इधर पे देखो टेबल में ही दिया हुआ है 21,000 एट एडिशन है, ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देना है। तो इसको मैंने ऐड किया 21 से, एडिशन को मैंने ऐड किया। डेप्रिसिएशन जो है ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया, इनकम एक्सपेंडिचर में मिलेगा 4,450, तो आउटर कॉलम में 4,050 का 40050। बिलियर टेबल है 22,550 तुमको मिलेगा टेबल में, उसको मैंने डेप्रिसिएशन किया 2670 12% मैंने इसका कैलकुलेट किया 19,550 है। चाइना ग्लास एंड कटलेरी 6250 लेस डेप्रिसिएशन है 1250। देखो बैलेंस शीट में क्या रहा है, ये दोनों चीज़ फर्नीचर बिलियर्ड ये पूरा क्लब का है, चाइना एंड कटलरी ये कितना, ये किसका था, ये रेस्टोरेंट में था, ट्रेडिंग में दिखाया था। तो बैलेंस शीट में मैंने एक साथ दोनों को दिखाया, क्लब का भी दिखाया और साथ ही साथ रेस्टोरेंट का भी मैंने दिखाया, अलग से नहीं दिखाया। पर इनकम एक्सपेंडिचर में मैंने पूरा क्लब का दिखाया था और अलग से ट्रेडिंग का दिखाया था, डिफरेंस क्लियर करना, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। रेस्टोरेंट स्टॉक है 12250 ये तुमको मिल जाएगा, ये देखो तुमको सेकंड लाइन में मिलेगा एडजस्टमेंट में 12250। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तुम्हारा 12,500, ये तुमको सेकंड लाइन में मिलेगा सब्सक्रिप्शन, सॉरी फोर्थ लाइन में मिलेगा एडजस्टमेंट में। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2015 12,500। इंटरेस्ट अक्रूड जो कैलकुलेशन अभी अभी किया था उसमें 4,000 मैंने इधर पे लाया इंटरेस्ट अक्रूड। बैंक डिपॉजिट मैंने बताया था जो रेट था कैलकुलेट, ये 10% था 1,00,000 का, तो इधर पे मैंने 1,00,000 लाया, ये एसेट है मेरा। कैश इन हैंड है 8,500 और 70,000 कैश एट बैंक, जो ये कैलकुलेट मैंने किया था इधर पे देखो बैलेंसिंग फिगर में, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में मैंने इधर पे लाया। तो अभी दोनों हो गया, दोनों साइड हो गया, अभी कैलकुलेट करके देखना है दोनों साइड मिलना है या नहीं, अगर मिला तो नसीब अच्छा है कि द बैलेंस शीट हैज बीन करेक्ट, इट इज कमिंग टू 2,70,880। सो दिस इज द ओवरऑल सम, यू सी हैव अ लुक ऑफ एट इट, द सम इज लिटिल बिट ट्रिकी एंड लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, बट वंस यू प्रैक्टिस it may not clear all your concept, I will recommend you to practice 3 to 4 times because this is the last sum and little bit tricky also, little interesting also, interesting in the sense it will clear your all your doubts and complex in the sense because your trading account is attached separately. So I request you to have a look of this class today and the Thursday class also. So these two sums are very important for this particular class. ये दोनों sum अगर clear हो गया तो NPO पूरा मोटा मोटी तुम्हारा हाथ में आ गया, practice तो करना ही है बाकी सब sum. I request you to go through it, अगर कोई comments है तो YouTube में देना, I wish you all the luck, thank you.